नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी दतिया। जब प्रदेश में 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित आम कार्यकर्ता सत्ता के मद में इतने अधिक चूर हो गए थे कि विकास क्या होता है इस बात को भूल ही गए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ जिले में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई। उक्त विचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह परमार उर्फ गिन्नी राजा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री स्ट्रीट मजदूर वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अवसर पर मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आगे कहा है कि विकास क्या होता है इसे देखने के लिए दतिया आएं और देखें कि प्रदेश में गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकाल में दतिया का कितना विकास किया है जो कांग्रेस सपने में भी नहीं कर सकती है। इसीलिए समय रहते अन्य कांग्रेसी भाजपा में आकर दतिया का विकास करने में सहभागी बने। मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय दादा नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय शैलेन्द्र भदौलिया जी, आदरणीय रामजी खरे साहब, आसाराम जी, किसान ढेंगला जी, विपिन गोस्वामी जी, प्रशांत ढेंगला जी, विपिन बाजनी जी, मुकेश यादव जी, साथियों क्षमा करें, यह दतिया है। चाहे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए, हम लोगों का आत्मीय प्रेम सदैव बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मंत्री जी का निश्चित रूप से समय का अभाव होगा, इसलिए मैं सारे लोगों के नाम ना लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, आज मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में किसी मंच से बोल रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हो जाए तो मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग मुझे क्षमा करें। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता था और बहुत जुनून और बहुत जज्बे के साथ मैं कांग्रेस पार्टी में राजनीति करता था और पूरी ईमानदारी के साथ करता था। ना मेरे अंदर कोई भय था, ना डर था, केवल एक ही उद्देश्य रहता था कि हमारी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े, और मैंने उसके लिए परिश्रम भी बहुत किया। लेकिन जब आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया हूं तो जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी उसी दिन से हमने यह निश्चय कर लिया था कि अब जो काम कांग्रेस पार्टी के लिए करते थे वो आज से हमारा काम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए था। यह मेरा स्वभाव है कि जिस दल में रहता हूं और जिसके साथ रहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ रहता हूं, क्योंकि हमारे दतिया वालों के खून में गद्दारी नहीं है। जिसके साथ रहेंगे तो ईमानदारी से रहेंगे और नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो साथियों, जब मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहने के बाद भी कहीं ना कहीं जहन में आता था कि निश्चित रूप से आज हमारे दतिया का बहुत विकास हो चुका है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि दतिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, जो पीतम्बरा से लेकर झांसी चुंगी तक, बल्कि सोना चुंगी तक जो रोड का निर्माण हुआ है निश्चित रूप से वो अद्वितीय है। सीवर लाइन जो दरगाह जो आजकल काम चल रहा है बीच में रुक गया था, ऐसे बहुत से काम है जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में किए। साथियों, कांग्रेस में रहते हुए भी जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम अंदर कमरे में बैठकर उस चर्चा में बात करते थे कि आप कुछ भी कहो दतिया का विकास तो हुआ, और एक सबसे बड़ी बात सामने आती थी वो यह आती थी कि जब से नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में आए हैं दतिया में गुंडागिरी का नाम और निशान खत्म हो गया।
हमने उनसे कहा कि यार पिछले 12-14 महीने में नदिया का 14 साल में नदिया का बहुत विकास हुआ है, 1 साल हो चुका है, कम से कम नदिया में एक दुम्मा तो लगवा दो, एक दुम्मा लगवा दो जिससे हम लोग जाकर जनता के बीच में जाकर कह सके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो नदिया में विकास का कार्य अभी जारी है, विकास का काम बंद नहीं हुआ है। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेताओं ने एक नहीं सुनी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता परेशान रहा। मैं तो काम करता हूं उनसे, कभी क्लास हो की मीटिंग में या व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता भी हूं कि अगर अपना भविष्य चाहते हो, नदिया का विकास चाहते हो तो अब कांग्रेस अंत समय में है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लेकर, भारतीय नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर नदिया की जनता की सेवा करो। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई भलाई है। अगर किसी को गलती हो गई हो तो क्षमा करें। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।